हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का स्वागत है आज की बिटकॉइन अपडेट में। और आज का दिन इम्पॉर्टेंट क्यों है और ये वीडियो मैं ला रहा हूँ क्योंकि मेरा स्केड्यूल में भी नहीं था, फिर भी मैं ये वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि आज लास्ट डे है सेप्टेम्बर का। और जैसा आप लोग को पता होगा और ऑलरेडी सेंटिमेंट्स बन गए हैं, कई जगह आप लोग सुन रहे होंगे, सेप्टेम्बर का मंथ की एंडिंग एक ऐसी एंडिंग है जो हम लोगों को देखनी है कि आज के मंथ की जो एंडिंग है वो किस लेवल पर होती है, किस पोजिशन पर होती है, क्या शाम तक कोई डिप आता है या फिर शाम तक पंप रहता है या फिर होल्ड करता है 43,000। मैंने आपको एक लेवल बताया था यहां पर कि लास्ट वीक वाज फुल ऑफ, यहां पर आप देखोगे 43.5 का जो लेवल है, मैंने आपको कई बार बताया कि उस लेवल के अराउंड 20 वीक ये में है तो उसको होल्ड करना चाहिए, ठीक है। एंड उसको होल्ड नहीं करेगा तो हम नीचे आ सकते हैं। एंड यहां पर आप देखोगे कि कुछ लेवल मैंने आपको बताया था 38 के मैक्स, बट 40K के लेवल को, 43K के लेवल को ऊपर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, मैंने आपको 20 वीक EMA बता के रखी हुई है। 20 वीक EMA RSI में तो कुछ खास दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको अगर मैं ये दिखाऊं वो डाउन ट्रेंड में है। फिलहाल के लिए अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, एक 20 वीक EMA जो हमारी है वो इस एरिया के अराउंड है जो कि 42.5 से 43.5 तक होल्ड करना चाहिए, ठीक। इतना लेवल तो चलता है, पर अभी ये जो बाउंस बैक आया है कल से, जो अब अगर अब मैं आपको कल के डेली चार्ट में यहाँ पर लेकर चलता हूँ तो 4 आवर में मैं आपको बताऊँ एक बाउंस बैक आया 40,000 से लेके 43,000 तक एक और बार आया है। अगर मैं शॉर्ट में एक आपको बताऊँ तो एक ये चैनल एक क्रिएट होता दिख रहा है जिसमें हम यहाँ पर पहली बार 40,000 तक गए थे, फिर हम ऊपर गए और कहाँ तक 44 से रिजेक्ट हो गया आई प्राइस, फिर नीचे 40 आई, 40 से फिर हम 44 में आए, फिर रिजेक्ट हुई प्राइस। अब फिर से हम 44 को टच कर सकते हैं इस कैंडल में और फिर से रिजेक्ट हो सकते हैं। बट एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि जितनी बार कोई रेजिस्टेंस जो है वो टेस्ट होता है उतनी बार जो है सेलर्स के ऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं। इस वजह से तीसरा चौथा जितने ज़्यादा बार टेस्ट होता है कोई रेजिस्टेंस उतना वो कमज़ोर होता जाता है। अब आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, आपको बहुत लोग बताएंगे कि ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस जो है बहुत स्ट्रांग है, मतलब ये तो चलना ही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बैठे होते हैं सेलर्स के ऑर्डर्स होते हैं वो फुलफ़िल होते हैं, तो जितने लोग सेल करने के लिए बैठे हैं वो इवेंचुअली ख़त्म हो जाएंगे जब, तो यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जाना के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अब बेसिकली ये एक नई ट्रेडिंग टेक्निक, टेक्निकल एनालिसिस की टिप आपको बता रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान में रखना। जितनी बार कोई सपोर्ट, जितनी बार रेजिस्टेंस ज़्यादा टच होता है उतनी बार बायर्स के ऑर्डर्स यहाँ पे, देखो एक और चीज़ बताता हूँ, ये बायर्स के ऑर्डर यहाँ पे फुलफ़िल हो रहे हैं, तो जितनी बार टेस्ट हुआ है यहाँ पे 3 बार टेस्ट हो चुका है, 4, तो अगली बार अगर हम नीचे आते हैं ना तो हमारे चांसेस ज़्यादा होंगे, मतलब रिस्क बढ़ता जाता है जितनी बार टेस्ट होता है। इस बार टूटने का रिस्क बढ़ेगा, नीचे आने का रिस्क बढ़ सकता है अगर हम इस बार नीचे आए, तो ये मेरे कहने का मतलब है। तो बेसिकली अब देखना हमें ये है कि तीसरा टेस्ट हम लेने जा रहे हैं 43-44 की ओर, तो हमें यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। इसको ब्रेक करता है कि नहीं, इस लेवल को कौन सा ग्रीन वाला लेवल, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे लेवल हैं, अभी एग्जैक्टली प्ले आउट कर रहा है हमारा चार्ट। और मैंने आपको बताया था कि जो इन एनालिसिस है वो ये कहती है कि पहले तो वीकली EMA को अगर हम देखें तो वीकली EMA को होल्ड करना चाहिए। कौन सी लाइन? 20 वीकली EMA जो है हमारी, उसको होल्ड करना चाहिए। पर एंडिंग तो नीचे हो गई, चलो एक पल के लिए ज़रा सी नीचे हुई, 43 पॉइंट हमें देखनी थी 43.9 या 43.7 के आसपास, पर हमारी एंडिंग जो क्लोजिंग हुई थी 43.1 के आसपास हुई थी, तो चलो इतना चलता भी है, ठीक। लेकिन हमारा जो क्लोजिंग है नीचे होती तो हमारे लिए खतरा होता, बट नेक्स्ट जो कैंडल्स आने वाली, नेक्स्ट जो कैंडल बनेंगी अब ना, वो कैंडल इंपॉर्टेंट होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये कैंडल डिसाइड करेंगी क्या हम वीकली को रियल में होल्ड कर रहे हैं। एक से क्योंकि नहीं पता चलेगा हमको कि इसको हम होल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो एक से पता नहीं चलेगा हमें, एक दो और यानी कि नेक्स्ट एक, ये एक अगली कैंडल देखनी होगी, और ये अगली कैंडल ऊपर की ओर हो जाती है अगर ज़रा भी ऊपर होती है, यानी कहने का मतलब है 45,000-44,000 तक हम पहुँचते हैं तो हमारी, आप समझ लो कि हम खतरे से बाहर हैं, एक तरह से हम खतरे से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि 20 वीक को होल्ड करके ऊपर जाता तो अच्छी बात है, लेकिन अब मैं आपको रिस्क समझा देता हूँ क्या है कि कुछ पैनिक वगैरह क्रिएट हो रहा है, तो उसके चक्कर में यहाँ पर अगर हम ब्रेक हो गया
ये लेवल ब्रेक हो गया हमारा 40,000 ये वाला लेवल, अगर मैं इसमें बताऊँ जो ये जो लेवल है ना जितनी भी हमने टेस्ट किया इस लेवल ये ब्रेक हो गया तो हम नीचे आ गए अगर 39-38 तक तो फिर हमारा बेरिश सिनेरियो हो जाएगा। पर अक्टूबर का महीना काफ़ी अच्छा है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ अब बहुत से लोग चले गए होंगे, वीडियो देखते नहीं है पूरा, तो बेसिकली मुझे ये पहले कवर करना चाहिए था, मेरी गलती। देखिए ये एक न्यूज़ है, ये एक जगह से मुझे मिला स्पॉट्स बेस्ड ETF एप्लीकेशन SEC की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो काफ़ी बुलिश सिनेरियो बताती है। पर तब जब होता है ऐसा, ये कुछ डेट्स आई हैं जिसमें बताया कि SEC का पहला रिस्पॉन्स ETF को लेके आएगा 18 अक्टूबर को, प्रो शेयर्स बिटकॉइन स्ट्रेटजी ETF पे बोलेगा SEC की क्या रिस्पॉन्स है, क्या वो करने का सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। इन्वेस्टको का बिटकॉइन ETF जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्स आएगा अक्टूबर 19 को, अक्टूबर 24 को वैनएक बिटकॉइन स्ट्रेटजी का आएगा, अक्टूबर 25 को वेलकरी का आएगा, अक्टूबर 31 को गैलेक्सी बिटकॉइन स्ट्रेटजी का आएगा। तो ये जो है ना फर्स्ट रिस्पॉन्स आपको जैसे लग रहा होगा पहला डिसीजन लेंगे, पहला अपना बताएंगे और फाइनल डिसीजन आएंगे नवंबर से लेकर दिसंबर, अगले साल जनवरी में भी जा सकता है, खींच सकता है। तो अगले ये जो महीना है अक्टूबर का कल से, उस महीने में 18 बीच मिड अक्टूबर से हमें एक अच्छा मूवमेंट देखना चाहिए अगर SEC ऐसा करता है जैसा बोला गया है। ठीक, अगर SEC ऐसा करता है जैसा बोला जा रहा है तो हमारे हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा और इम्पॉर्टेंट प्राइस को होल्ड कर सकता है ऊपर तक। तो फिलहाल के लिए हमें चेक क्या चाहिए, 43 से ऊपर हो। तो आपको आज क्या ध्यान देना है, ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं इसलिए दे रहा हूँ, आज आप ध्यान देना कि 43,000 से ऊपर हैं कि नहीं हम, 43,000 मोस्ट प्रोबेबली 43,500 से हम ऊपर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। आज की क्लोजिंग 43,500 के ऊपर होनी चाहिए और ये वीकली क्लोजिंग हो जाएगी, 4 हफ्ते थे, 1, 2, 3, 4 सितंबर का एंडिंग हो रही है। तो यही एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और टेलीग्राम से जुड़ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, वहाँ पर मैं आपको देखिए यहाँ पर न्यूज़लेटर वगैरह लिख के दे देता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।